स्क्रिप्ट पढ़ा। क्या बात है, 300 बच्चे मामूली बात है। मेरा ये इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में 300 बच्चे नहीं 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 होगा, नहीं होगा। यहाँ बहुत आते भी हैं कश्मीर की। यहाँ कितने स्कॉलरों ने पीएचडी किया है सर? बहुत मैक्सिमम आते हैं। मैं देखा तकरीबन 10-15 लोग हमें मिले हैं कश्मीर के। तो यहाँ मेरा ख्याल है 30-35-40 बच्चे तो कल के चले। यही कोई 8-10 साल में, इन 8-10 साल में यहाँ 30-40 पीएचडी करके निकल चुके हैं। लाइब्रेरी भी होगी? लाइब्रेरी बस ये तो अपनी है किताबें, मेन लाइब्रेरी में होगी किताबें। तो हम उसके जगह 2-4 कॉपी रखते हैं। हाँ वो लाइब्रेरी उधर है ना, वहाँ पे आप आपके यहाँ तो स्टूडेंट आते हैं ना सर यहाँ जो आए। हाँ अगर आप देना चाहते हैं तो हम रख लेंगे। नहीं जो आता है ना सर, मतलब स्कॉलर ऐसे हमने ना यहाँ लाइब्रेरी जो डिपार्टमेंट की है राजेंद्र सिंह बेदी के नाम से लाइब्रेरी रखी है, लेकिन अभी उसका हम थोड़ा सा ना हमारे पास स्पेस कम है। अच्छा, किताबें तो पड़ी हैं लेकिन उनको अरेंज करना। ठीक सारे डिपार्टमेंट। हाँ हमें तो आज सर्कुलर आया है ना यूनिवर्सिटी का, खोले रखने के, क्योंकि ये कन्वोकेशन हो रही है ना, बच्चों ने किसी ने स्टैंप लगवाए, इसलिए डिपार्टमेंट खोले रखे हैं। वैसे कल मतलब अपने काम थे स्टाफ वगैरह मेंटेन करना, आप उधर बिजी हो गए। अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो है उसके बाद हमने ये निकाला, ये इसकी नौयत अरबी नौयत का ही है ना? ये इसका हमने ये दिया तहजीबी इल्मी अदबी तालीमी तामीर मजला। ये सिर्फ खालिस अदब में भी नहीं है और खालिस मजहब पर भी नहीं है। शुक्र है इसमें आपने सियासी जो ये गैर सियासी मजला है लफ्ज नहीं रखा इसमें। सर क्या कह रहे हैं भैया? जी सर, राम सिंह जो पेपर बनाया था मैनू लेने, मैं तो ही फोन किया कि मेरी छुट्टी है, मैनू फड़ लियो बस। आई मैंने क्या था।